पिता, तुमने और माता पृथ्वी ने जिस जनजीवन को जन्म दिया, अब तुम ही उसके अंत का कारण बनोगे। श्री बलराम, दौस पिता पर असुरों ने आक्रमण बोल दिया है और दौस के अपने स्थान से नीचे गिरने मात्र से इस धरती का सभी जनजीवन नष्ट हो सकता है। आप चिंतित ना हो पृथ्वी देवी, वे असुर अपने दुष्ट इरादों में कदापि कामयाब नहीं होंगे। तुम दोनों यहाँ भी आ पहुँचे तो उससे पहले इन दोनों को धरती पर पटक फेंको। आक्रमण करो। आशीर्वाद सदैव आप दोनों के साथ है। बहुत हो गया, तुम्हारी वजह से मुझे रोज माँ की डांट खानी पड़ती है। राधा सुनो, तो मुझे नहीं करनी तुमसे बात। कैसे तुम्हें मनाऊं? पारिजात फूल ला कर दो। Oh!
इस वृक्ष में अद्भुत शक्तियाँ हैं जो इसकी हिफाजत करती हैं, और सदियों से यही प्रथा चली आ रही है। इस वृक्ष से फूल कभी तोड़े नहीं जाते, केवल गिरे हुए फूलों को ही चुना जाता है। जी चंद्रदेव, हम भी इस प्रथा का पालन अवश्य करेंगे। सूर्योदय का समय तो हो गया, परंतु अभी कोई किरण नजर नहीं आ रही। ये क्या, यहाँ आकाश में तो मेघराज विराजमान है। इनके यहाँ होते सूर्य की किरणें धरती तक पहुँच ही नहीं सकती। मेघराज प्रणाम। कौन है? वृंदावन के कृष्ण और बलराम का प्रणाम स्वीकार कीजिए। और ये अनुरोध भी कि कृपया आप आकाश में कुछ आगे बढ़कर अपना स्थान जमा लीजिए। और वो क्यों? सूरज की किरणों के धरती तक पहुँचने से ही हम यहाँ से पारिजात फूल चुनकर वृंदावन की ओर वापस प्रस्थान कर पाएंगे। मूर्ख बालकों, चले जाओ यहाँ से, और फिर मेरा आराम भंग करने का दुस्साहस मत करना। मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं। यदि आप स्वयं नहीं हटे तो हमें आपको यहाँ से बलपूर्वक हटाना पड़ेगा। तुम दोनों यूं नहीं मानोगे, तुम्हें तो मैं अपने हाथों से कुचल दूंगा। ऐसा खेल खेले। तो सोचो कि क्या खेले। लुका छुपी। जी गुरुजी, अब ये बताइए कि कौन क्या बनेगा। मैं तो भीड़ बनूंगी। मैं भी। यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे पता करना होगा कि वो मायावी शक्तिशाली बालक कौन सा है इनमें। चोर कौन बनेगा? क्या मैं चोर बन जाऊं? अरे तुम कौन हो? पहले तो तुम्हें वृंदावन में कभी नहीं देखा। मेरा नाम हीरा है। मैं यहाँ अपनी मौसी के घर आया हूँ। वो वहाँ रहती हैं। ओ, तुम सुखी काकी की बात कर रहे हो? उन्हीं की बात कर रहा हूँ। यहाँ मेरा कोई मित्र नहीं है, तुम मुझे अपने साथ मिला लो। हाँ हाँ हीरा, तुम जरूर हमारे साथ खेल सकते हो। हमें भी बहुत अच्छा लगेगा एक नया मित्र बनाकर, है ना मित्रों? हाँ हाँ। तो मैं आ रहा हूँ। ये मेरा खेल है, व्योमासुर का खेल। काना, ये सब क्या था? वो बच्चा हीरा, वो राक्षस था? कमला, मनिया, होदा, माधव, वो सबको ले गया। कान्हा, अब हमें भी इसका बंदी बनके इसके साथ जाना होगा। ये हमारे मित्रों को कहाँ ले गया है हमें नहीं मालूम। हाँ, तुम तीनों
ही बचे हो बस। अब तुम सबको भी तुम्हारे मित्रों के पास पहुंचा दूंगा। हे परम शक्तिशाली, आपके चरणों में पूरे 7 बालकों की बलि चढ़ाएगा। हम ऐसे ही नहीं जा सकते, हमें एक वाहन की आवश्यकता है। यहाँ आने का धन्यवाद गरुड़राज, मुझे और मेरे मित्रों को आपकी सहायता की आवश्यकता है। तो तुम ही वो मायावी बच्चे हो। बहुत उछल लिया, अब लटका रहे यहाँ। देखना पड़ेगा। अरे ये कहां से आ गए, कौन है ये? कौन हो तुम? मैं हूं परम और ये है मेरा छोटा भाई जगम। हम सपेरे हैं, हमें क्षमा करें, हम सो गए और न जाने कब और कैसे ये सारे बाहर आ गए। अच्छा अच्छा चलो, राधा और बाकी सब हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। तुम दोनों भी हमारे साथ खेलना चाहोगे? हाँ, 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 हाँ। तो चलो। लो आ गए। पर ये दो लोग कौन हैं? ये हमारे नए मित्र, ये सपेरे हैं और इनके पास बहुत सारे सांप हैं। आज हम क्या खेलेंगे? कबड्डी। ठीक है। कबड्डी 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 कबड्डी। कबड्डी 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 कबड्डी। उधो तुम जाओ। कबड्डी 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 कबड्डी। हम जीत गए। राधा मेरा हाल तो देखो, खाना तो विमला को कम खाना चाहिए या फिर तुम लोगों को ज्यादा खाना चाहिए ताकि अगली बार थोड़ा दम लगाओ और खेल में जीत सको। अरे परम तुम इतना दौड़ क्यों रहे हो और हम गलत दिशा में जा रहे हैं। रुको, मैंने कहा ना रुक जाओ, उतारो मुझे नहीं तो। बता तेरा भाई मेरे बलदाव को कहाँ लेकर गया है? जल्दी बताओ हमारे बलदाव कहाँ है, वरना वरना
तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? हम दोनों को यहाँ कंस महाराज ने भेजा है। पर तुम्हारा भाई बलदाऊ को क्यों ले गया? अपने दाऊ को तो अब तुम भूल ही जाओ और अब अपनी जान बचाओ मुझसे कृष्णा। तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं यहाँ खड़ा हूँ। ऋषिवर, हमारे भविष्य के बारे में हमें कुछ बताओ। महाराज उग्र, आने वाले दिन आपके लिए शुभ नहीं। आपको सैनिकों ले जाओ इस ऋषि को और गिन गिन कर 100 कोड़े लगवाओ। दुष्ट पापी, वो दिन भी अब दूर नहीं जब तेरे कर्मों का हिसाब होगा। उसका भी उपाय है मेरे पास। ऐसा कैसे संभव है? देव चित्रगुप्त, आपकी चिंता और हमें यहाँ बुलाने का कारण कृपया आप हमें बताएं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी एक भी जीव का प्रलेख ना मिले। महाराज उग्र का समय पूरा होने जा रहा है तो उनका प्रलेख गायब है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी मायावी शक्ति की सहायता से स्वयं उसी ने ये कार्य किया है। उस प्रलेख को वापस कैसे पाया जाए? हम तुरंत ही पृथ्वी लोक जाकर इस कार्य में जुट जाते हैं। हमें आज्ञा दीजिए देव। देव चित्रगुप्त के अनुसार महाराज उग्र अपने महल से दूर इस किले में आ बसे हैं, परंतु सभी ओर कड़ा पहरा है। आकाश में तो कोई पहरा नहीं। मत मारो मुझे। तुम्हें यहाँ किसने कैद किया? उस दुष्ट ने जिसकी मैंने इतनी सहायता की। तो देव चित्रगुप्त के कक्ष में अदृश्य होकर तुम घुसे। हाँ। प्रलेख का तुमने क्या किया? उसे लेकर वापस महाराज उग्र के पास पहुँचा। मेरे पापों का हिसाब ही नहीं है, कोई देव मुझे नर्क भेज ही नहीं सकता। ये प्रलेख तो तुमने मुझे ला दिया, परंतु अब इसे नष्ट करने में तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। वो कौन सा मुश्किल काम है? नाकेली धरती में गाड़ देते। महाराज अब क्या करें? हमारे पास इससे भी अच्छा और सुरक्षित उपाय है। ने वचनानुसार पुरस्कार देने की जगह महाराज ने मुझे यहाँ कैद कर दिया, जिससे उनका रहस्य कभी कोई न जान पाए। कौन हो तुम जो इस प्रकार बिना आज्ञा हमारे कक्ष में घुस आए हो? हाँ, उसी प्रकार जिस प्रकार तुम्हारा दूध बिना आज्ञा चित्रगुप्त देव के कक्ष में घुस गया था।
आइए महाराज उग्र, यमदेव आपको अपने साथ नर्क ले जाने के लिए बहुत उत्सुकता से आपका इंतजार कर रहे हैं। और इस तरह समाप्त हुआ कृष्ण और बलराम का एक और पराक्रम। कृष्णा, कृष्णा। हाँ, उठो कृष्णा। मैया, बस थोड़ा और सोने दो। उठो कन्हैया, महामुनि लोकमित्र आए हैं। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम मुनिवर। कृष्ण, बलराम, वृंदावन वासियों को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मुनिवर, हम आपकी और वृंदावन वासियों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। हमें क्या करना होगा मुनिवर? भक्षासुर ने रुद्रदेव को सुप्तावस्था में बंदी बना लिया है। तुम्हें भक्षलोक जाकर रुद्रदेव को भक्षासुर से मुक्त कराना होगा। मेरु देवता, आपको नमन हो। कृष्णा, ये लो मेरु अस्त्र, ये तुम्हें इस दुष्ट का नाश करने में मदद करेगा। कृष्ण और बलराम, मैं तुम्हारे शौर्य से प्रसन्न हुआ। मांगो, जो चाहे वो मांग लो। रुद्रदेव, कृपया वृंदावन को पहले जैसा कर दीजिए। तथास्तु। शोर कैसा था? यूं लगा जैसे धरती कांप गई हो। परंतु ये कोई भूकंप तो प्रतीत नहीं होता, और वे चीखें भी मानुषिक नहीं थी। हे प्रभु, अब कोई नई विपदा ना आ पड़े हमारे गांव पर।
मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। देखो देखो मुझे छोड़ दो। अरे भागो भागो, बचाओ। कृष्णा बेटा, बलराम झुक झुक जियो बेटा। वाह, एक की जगह तीन तीन शिकार मिल गए। मनुष्यों का इतना साहस कि हमसे भिड़ रहे हैं।